स्टार्ट विद फाइनेंशियल मॉडलिंग. तो लास्ट वीक अपने पूरा एक्सेल कर लिए थे. नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद फाइनेंशियल मॉडलिंग. फाइनेंशियल मॉडलिंग में दो चीज़ें करवाने वाला हूँ मैं, दो तरह के मॉडल्स करवाने वाला हूँ. वन इज़ वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल्स, ठीक है ना, जिसमें सारा FCFF, DCF मॉडल्स, सारा जो वैल्यूएशन बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स होता है, एक अपने वो करेंगे. और दूसरा एक फाइनेंशियल मॉडल्स होता है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने बनाते हैं, क्यों? बिकॉज अपने को बैंक में प्रेजेंट करना होता है टू टेक अ लोन. अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वाले से, ठीक है. इसमें अपने दो दिन लगेंगे एंड थर्ड डे अपने लगाएंगे ऑन वैल्यूएशन बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स, ठीक है ना. तो दो तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स करने वाले हैं, वैल्यूएशन बेस्ड, एंड दिस इज कॉल्ड CMA रिपोर्ट, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट. क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, CMA रिपोर्ट्स. क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट क्यों? बिकॉज बैंक वालों का रिक्वायरमेंट रहता है कि हम आपको लोन देने वाले हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, हाउ कैन बी श्योर कि आप पक्का से पैसा का पेमेंट वापस में करोगे. तो उस केस में मे बी विद द हेल्प ऑफ CA या और कोई प्रोफेशनल की हेल्प से हम लोग CMA रिपोर्ट्स बनाते हैं जो बैंक में प्रेजेंट किया जाता है टू इंश्योर, टू शो कि हमारा कैश फ्लो प्रोजेक्शन इज गुड एंड वी विल बी एबल टू रीपे द लोन एज वेल एज इंटरेस्ट, ठीक है ना. तो वो वाला मॉडल से अपने स्टार्ट कर रहे हैं. जो थर्ड डे होगा उसमें वैल्यूएशन बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल्स करेंगे, ठीक है. और मेरा ये पर्पस जो है करवाने का फाइनेंशियल मॉडलिंग, दैट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू लर्निंग द टेक्निकलिटीज ऑफ फाइनेंशियल मॉडल, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग द स्किल्स ऑफ मॉडलिंग, ठीक है ना. एक मॉडल कैसे बनता है, मतलब एक्सेल बेस्ड मॉडल्स में क्या स्किल चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस है रादर देन द टेक्निकल स्किल्स ऑफ CMA रिपोर्ट, ठीक है. तो आपको एक फोल्डर मिला है, उस फोल्डर में फोर फाइल्स हैं. वन इज़ नोट्स, वन इज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है. एक्सेल अपने ऑलरेडी कर चुके हैं. देन वी हैव इन्फोग्राफिक 10 थिंग्स, देन वी हैव मॉडल फास्ट, ठीक है. अपना तरीका क्या रहने वाला है करने का, बेसिकली मैंने आपको सारा नोट्स दे दिया है पहले, ठीक है ना. इफ़ यू कम टू एनी इमेज, इस इमेज में सारा फ्लो दे रखा है कि कैसे कैसे अपना फाइनेंशियल मॉडल बिल्डअप होने वाला है, ठीक है. इसको अपने यूज़ करेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे यूज़ करेंगे, ठीक है. अभी आप क्या करोगे, अभी आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द शीट मॉडल फास्ट, मॉडल फास्ट. तो मॉडल फास्ट शीट को आप खोल लो, आपको साथ साथ नहीं करना है. आई विल फिनिश ऑफ अ सर्टेन शीट, एक टॉपिक अपना पूरा करेंगे, उसके बाद समझने के बाद देन यू विल प्रैक्टिस and I will come to your respective seats and we will discuss the problems, ठीक है ना. वही अपना flow रहने वाला है. तो basically I have this model, model fast. मैंने इसमें एक power based project लिया, ठीक है ना, power based project. इस project में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, we are trying to create financial projections to show to the bank that we can pay the principal as well as interest timely. तो हम एक कैश फ्लो प्रोजेक्शंस करने वाले हैं, ठीक है. तो उसके ऊपर ये मॉडल बेस्ड है, किस चीज़ के लिए अपने एक पावर बेस्ड प्रोजेक्ट चालू करना चाह रहे हैं. तो उस केस में मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो लोन लेने के लिए द बैंक इज सेइंग कि आपको एक CMA रिपोर्ट बना के सबमिट करना है. उस CMA रिपोर्ट में क्या होगा, वी विल बी शोइंग अप द कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, ठीक है ना, कि वी आर
वी विल बी एबल टू जनरेट सफिशियंट कैश टू रीपे द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट टाइमली. तो वही अपना ऑब्जेक्टिव है इस मॉडल का. ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा इनपुट्स दिखेगा विच इज गिवन इन द INP शीट. इनपुट्स शीट में आओ एक बारी, इनपुट्स शीट में आओ. ठीक है ना, यहाँ पे सारा इनपुट रहने वाला है अपने मॉडल में. मैं इस मॉडल को सिर्फ बैकएंड में रखूंगा एंड आई विल कम टू अ न्यू शीट. अपने पूरा मॉडल वापस से बनाने वाले हैं, बट सीक्वेंस जो अपने को रखना है, ठीक है ना, और जो रोज रखना है वो कंसिस्टेंट रखना है विद दिस मॉडल, ताकि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. मतलब प्रॉब्लम आता है बाद में करवाते वक्त कि कोई किसी और शीट पे, कोई किसी और शीट पे है, तो पूरा कंसिस्टेंसी इस मॉडल के हिसाब से रखेंगे. ठीक है ना, ताकि सभी का सभी इसी मॉडल के हिसाब से चल रहे हैं, नोबडी इज आउट ऑफ ट्रैक. तो अभी आप क्या करोगे, जस्ट ओपन अ न्यू शीट. एक न्यू शीट ओपन करो, न्यू शीट. सो आई एम ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक, आई एम ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक. और दूसरे वाला वर्कबुक आपको क्लोज नहीं करना है, लेकिन आपको एक न्यू वर्कबुक खोलना है एंड अपने इसमें पूरा मॉडल स्क्रैच से लेकर एंड तक बनाएंगे. बट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द शीट ओपन्ड इन बैक एंड. क्यों? बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा. ठीक है ना, अपने सारे कंसिस्टेंटली मूव नहीं कर पाएंगे. तो आपको इंश्योर करना है कि यू आर ऑन द सेम रो सेम कॉलम एज पर द शीट ओपन्ड इन द बैक एंड. कौन से वाला शीट? मॉडल फर्स्ट वाला. ठीक है, तो उसमें से ये जो इनपुट शीट है, इनपुट शीट इसका डेटा कॉपी कर लो इन शीट वन. इनपुट शीट तो आपका क्या हो गया, जो सारा इनपुट्स है मॉडल का वो तो ऑब्वियसली पहले से गिवन रहेगा. ठीक है ना, तो वो कॉपी कर लेते हैं. अभी आपको नहीं करना है प्लीज, अभी आप सिर्फ एक शीट क्रिएट कर लिए, पहले समझते हैं अपने. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट शीट में जो था अपना, आई एम कमिंग टू द कॉमन लिंक बिटवीन रो एंड कॉलम. यहाँ से पूरे शीट का सिलेक्शन कर रहा हूँ, आई एम सेलेक्टिंग द एंटायर शीट, प्रेसिंग कंट्रोल सी, कमिंग टू दिस वर्कबुक, कमिंग ओवर हेयर अगेन इन द कॉमन लिंक, प्रेसिंग कंट्रोल वी. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ इनपुट डेटा कॉपी किया है. इनपुट डेटा मैं पहले समझाया करता था 15-20 मिनट्स के लिए, बट अब से नहीं समझाऊंगा. क्यों? बिकॉज समझ नहीं आता शुरू में, वो टर्मिनोलॉजीज बाद में ही समझ आएगा एज वी प्रोसीड इन द मॉडल. तो आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली विद द मॉडल एंड देन वी विल सी कि इनपुट शीट में अपने को क्या क्या चीजें गिवन है. इनपुट शीट इज बेसिकली माई एजम्पशंस ऑफ द मॉडल. ठीक है ना, मेरा एजम्पशंस है मॉडल का. नाउ आई एम रीनेमिंग इट एज INP, रीनेम एज INP. मैंने क्या किया अभी तक, सिर्फ मॉडल फास्ट को बैकएंड में खोला हुआ है, एक न्यू वर्कबुक क्रिएट किया है, न्यू वर्कबुक में इनपुट शीट अपने कॉपी कर लिए, ये मेरा डेटा शीट है. ठीक है ना, उसके बाद अपने को इफ आई कम टू द मॉडल, इस मॉडल में आपको दिख रहा होगा बहुत सारा शीट्स है. वी हैव दिस टेम्प शीट, फ्लैग्स शीट, कैपिटल शीट, लोन शीट, CF शीट, डेप्रिसिएशन शीट, ऑपरेटिंग रिवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, EMI. उसके बाद कम टू दिस शीट, कम टू दिस शीट फ्लो चार्ट. एक बारी फ्लो चार्ट पे आओ, थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं मॉडल का. बेसिकली इस मॉडल में क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये पावर बेस्ड प्रोजेक्ट चालू करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आई नीड टू मेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, आई नीड टू प्रोजेक्ट द कैश फ्लोज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. अब उस केस में कोई भी प्रोजेक्ट में, बेसिकली किसी भी मॉडल में जहां पे अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना रहे हैं, वी हैव टू मेक दीज 4-5 शीट्स. कौन कौन सा? वन इज इनपुट शीट, एक आपका इनपुट शीट होता है, देन आपका इनपुट शीट में सारा एजम्पशन आ जाएगा. इनपुट शीट के बाद देन यू हैव वर्किंग्स शीट, वर्किंग्स शीट एंड देन यू हैव प्रेजेंटेशन शीट्स. ठीक है ना, इनपुट शीट में क्या रहने वाला है, सारा का सारा एजम्पशंस, मॉडल का कुछ एजम्पशंस होता है, वो एजम्पशन रहेगा. वर्किंग्स शीट में बेसिकली अपने क्या बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट को मैं 3 फेजेस में डिवाइड कर सकता हूं. ठीक है ना, एक प्रोजेक्ट को मैं 3 फेजेस में डिवाइड कर सकता हूं. वन इज द कंस्ट्रक्शन फेज. सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्शन होगा सारा प्लांट का. ठीक है, सारा मशीनरीज का जो भी आपको लेआउट वगैरह बनाना है वो कंस्ट्रक्शन होने वाला है. उसके बाद आपका प्रोजेक्ट चालू होगा. ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन फेज और ऑपरेटिंग फेज आपका रहने वाला है. एंड जब आपका प्रोजेक्ट चालू होगा उसी टाइम पे आप लोन का रीपेमेंट भी स्टार्ट कर दोगे, तो दैट इज योर फाइनेंसिंग फेज. फाइनेंसिंग फेज में दो चीजें आ जाएगा, एक तो शुरू में जब पैसा उठाएंगे, ठीक है ना, टू डू द कंस्ट्रक्शन,
दूसरा फाइनेंसिंग फेज में आएगा लोन का रीपेमेंट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अपना मॉडल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज द इनपुट शीट, वन इज द वर्किंग शीट्स एंड वन इज द प्रेजेंटेशन शीट्स। इनपुट शीट में सारा मॉडल का एजम्पशंस आ गया, वर्किंग शीट में अपने वर्किंग्स कैसे करना चाह रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग अवर प्रोजेक्ट इन थ्री फेजेस। वन इज द कंस्ट्रक्शन फेज, जहां पे पूरा कंस्ट्रक्शन होगा बिल्डिंग का, ठीक है ना। उसके अलावा लेआउट का, जो भी आपको प्लांट में रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मशीनरी कहीं पर रखेंगे, कंस्ट्रक्शन तो होगा ना उस एरिया का, तो कंस्ट्रक्शन फेज रहेगा। और कंस्ट्रक्शन फेज के लिए आपको पैसा भी चाहिए, उसी के लिए तो आप क्या कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है ना। तो आपका एक लोन शेड्यूलिंग भी रहेगा, कैसे कैसे आप लोन उठाने वाले हो बैंक से। उसके बाद फाइनेंसिंग फेज, फाइनेंसिंग फेज में एक तो वही चीज आ गया कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने पैसा उठा रहे हैं, दूसरा लोन का रीपेमेंट करेंगे, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, वो सारा शेड्यूल्स अपना बनेगा फाइनेंसिंग फेज में। एंड थर्ड इज ऑपरेटिंग फेज, उसमें सिंपल क्या रहने वाला है, ऑपरेटिंग रिवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। दैट इज योर वर्किंग शीट्स। ये बनने के बाद देन वी कैन मेक द फाइनल प्रेजेंटेशंस, विच इज पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ठीक है। मैंने केस स्टडी बहुत सिंपल रखा है, मैंने कुछ भी टेक्निकलिटीज ज्यादा नहीं रखा है, बिकॉज माई फोकस इज टू टीच यू द मॉडलिंग स्किल्स, नॉट टू यू नो मेक आर सेल्फ परफेक्ट इन सीएमए रिपोर्ट्स, बिकॉज सीएमए रिपोर्ट्स आप दो या तीन दिन में परफेक्शन नहीं अचीव कर सकते, दैट रिक्वायर्स टू थ्री ईयर्स। आप अलग अलग एग्जाम्पल्स देखोगे अलग अलग सेक्टर्स के, बट वट यू कैन मास्टर इज द आर्ट ऑफ मॉडलिंग, ठीक है ना। तो आई हैव टेकन सिंपल एग्जाम्पल जस्ट टू शो यू द मॉडलिंग स्किल्स, ठीक है। तो उसमें अपने स्टार्ट किया विद इनपुट शीट, मैंने क्या किया, इनपुट डेटा कॉपी कर लिया इन अ न्यू वर्कबुक। क्लियर है यहां तक? नाउ मॉडल में ये बहुत सारा शीट्स अपना है, ठीक है ना, जो मैंने आपको डिस्कस भी किया अभी, वी हैव दिस फ्लैग्स शीट, कैपिटल, लोन, ये सारा क्या अभी देखेंगे। बेसिकली वी आर डूइंग मॉडलिंग एज पर समथिंग कॉल्ड फास्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडलिंग होता है, फास्ट स्टैंडर्ड्स। अभी इंडस्ट्री ने इसको पूरा तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया है, बट ये इतना अच्छा मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स है ना, आपको दिखेगा 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन सारा का सारा इंडस्ट्री इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। मतलब अब एक्चुअल में एक मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं कि एक्सेल में कैसे कैसे मॉडल डेवलप करना है, ठीक है ना। उसका पूरा मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स बन चुका है, उसको अपने बोलते हैं फास्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्राउड फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का पूरा मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है फ्री ऑनलाइन। अगर मैं एक बारी गूगल पे जाऊं एंड आई जस्ट टाइप फास्ट फास्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स पीडीएफ, तो फास्ट मॉडलिंग पूरा वेबसाइट मिलेगा आपको, होम द फास्ट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशंस गिवन है कि कैसे कैसे एक्सेल में मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। गुड फाइनेंशियल मॉडल्स शुड बी फास्ट, फ्लेक्सिबल, एंड उसके बाद एक्सप्लेन क्या होगा। लेट अस ओपन द स्टैंडर्ड्स वंस, आई एम ओपनिंग द स्टैंडर्ड्स। फ्लेक्सिबल, एप्रोप्रिएट, स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स इज समथिंग न्यू दैट यू आर लर्निंग। अभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, बट आपको दिखेगा कि एक्सेल मॉडल्स बनाना कितना ईजी हो जाएगा आफ्टर लर्निंग दिस स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो वी आर टेकिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन, हम इस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से पूरा मॉडलिंग करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे पूरा डॉक्यूमेंटेशन गिवन है यहाँ पर, कंटेंट्स, और उनको एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा बुक गिवन है, ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री, ठीक है। इस पूरे बुक के हिसाब से अपने मॉडलिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप लेके जाते हो, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द इंडस्ट्री, ठीक है। और ये बहुत ईजी कर देता है मॉडलिंग आपका। तो आई एम टेकिंग अप दिस फास्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ फास्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, जैसे ये दे रखे हैं यहां पर कंटेंट्स में। वी हैव वर्कबुक डिजाइन, वर्कशीट डिजाइन, लाइन आइटम, एक्सेल फीचर्स यूज्ड इन मॉडलिंग, ठीक है, पूरा गिवन है।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फास्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है आपको कि आप जितने भी वर्कशीट्स बनाने वाले हो अपने मॉडल में, ऑल दोज वर्कशीट्स शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना, सारा का सारा वर्कशीट्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब सब में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सब में सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर इन द सेंस, अभी दिखाऊंगा कैसे बोलना चाह रहा हूं। सेकेंडली, सभी के सभी में जो कॉलम का साइज होगा, रो का साइज होगा, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, देर इज अ शीट कॉल्ड टेम्प, टेम्प का मतलब क्या, टेम्पलेट, अपने एक टेम्पलेट बनाएंगे एंड वी विल यूज दिस टेम्पलेट फॉर ऑल द अदर शीट्स, क्यों, बिकॉज उसी केस में अपना एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज करके अगर सारा शीट्स बनाएंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द एंटायर मॉडल, ठीक है। फास्ट स्टैंडर्ड क्या बोलता है, योर ऑल द शीट्स शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, पहले चार कॉलम्स आपको छोड़ने हैं, ठीक है, पहले चार कॉलम्स आपको छोड़ने हैं, किस रीजन से छोड़ने हैं अपने देखेंगे, दैट इज फॉर हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब सब हेडिंग, वी हैव फर्स्ट फोर कॉलम्स ए बी सी एंड डी, दैट इज फॉर हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब सब हेडिंग, ये पूरा फास्ट स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। डी कॉलम का पर्पस क्या अपने बाद में देखेंगे, पहले तीन कॉलम्स का पर्पस ए इज फॉर हेडिंग, बी इज फॉर सब हेडिंग एंड सी इज फॉर सब सब हेडिंग। उसके अलावा फास्ट स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि पहले चार कॉलम्स का कॉलम विड्थ कितना होना चाहिए, 1.75, पहले चार कॉलम्स का विड्थ शुड बी 1.75, ठीक है ना, ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए इन ऑल द मॉडल्स। अगर आप देखोगे पहले चार कॉलम्स का विड्थ बहुत कम है, दिस इज 1.75, अगर मैं यहां पे राइट क्लिक करूं कॉलम विड्थ, सॉरी 0.75, ठीक है ना, पहले चार कॉलम्स का विड्थ शुड बी 0.75, पहले चार कॉलम्स का विड्थ शुड बी 0.75। अगर आप बाकी शीट्स को देखोगे, फ्लैग्स आपको दिख रहा है कंसिस्टेंसी, पहले चार कॉलम्स अपने छोड़ रखे हैं, किसके लिए, हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए और सब सब हेडिंग के लिए, और पहले चार कॉलम्स का विड्थ कितना अपना 0.75। अगेन सेम कैपिटल शीट में, अगेन सेम लोन शीट में, तो अपने इतना कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन करते हैं, बिकॉज फास्ट स्टैंडर्ड बोलता है कि आपका सारा शीट्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, देन एंड ओनली देन द मॉडल इज यूजर फ्रेंडली। तो अपने क्या बोल रहे हैं, पहले चार कॉलम्स आपको छोड़ने हैं, उसमें से पहले तीन कॉलम्स का यूज क्या है, हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब सब हेडिंग, फोर्थ कॉलम का यूज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एज वी प्रोसीड इन द मॉडल। पहले चार कॉलम्स का विड्थ कितना रहने वाला है, 0.75। उसके बाद देन वी हैव दिस फिफ्थ कॉलम विच इज ई कॉलम, ई कॉलम का विड्थ शुड बी 40, ई कॉलम का विड्थ आपका 40 होना चाहिए, ठीक है ना, तो आई एम मेकिंग इट 40, ई कॉलम का विड्थ शुड बी 40। ई कॉलम किसके लिए यूज होने वाला है, बेसिकली फॉर ऑल द पर्टिकुलर्स, ई कॉलम विल कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स कि अपने किस लेबल आइटम को लिखना चाह रहे हैं, दैट इज माई पर्टिकुलर्स, लाइक दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, कंस्ट्रक्शन पीरियड, ऑपरेशन पीरियड स्टार्ट एंड सो ऑन, ये सारा मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर्स, जो किस में आएगा, ई कॉलम में। देन वी हैव दिस थ्री कॉलम्स एफ जी एंड एच, एफ कॉलम इज फॉर कॉन्स्टेंट्स, जी कॉलम इज फॉर यूनिट्स एंड एच कॉलम इज फॉर टोटल। एफ कॉलम इज फॉर कॉन्स्टेंट्स, जहां सारा इनपुट्स वगैरह अपना आने वाला है, ठीक है ना, जी कॉलम इज फॉर यूनिट्स एंड एच कॉलम इज फॉर टोटल। तो अपना ये तीन कॉलम रहने वाले हैं, इनका तीनों का कॉलम विड्थ चेक करते हैं, इन तीनों का कॉलम विड्थ शुड बी 12, इन तीनों का कॉलम विड्थ शुड बी 12। तो पहले चार कॉलम्स का विड्थ कितना होना चाहिए, 0.75, फिफ्थ कॉलम का विड्थ 40 और एफ जी एच बाकी तीन कॉलम्स का विड्थ 12, ठीक है। किसी को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि अपने बहुत पेटी इशू कर रहे हैं, पेटी इशू कर रहे हैं नो डाउट, बट अपना मॉडल बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा इफ वी फॉलो दिस फास्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या फोकस कर रहे हैं अपने, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर अपने स्टार्टिंग में ठीक से मॉडल में वर्क नहीं करेंगे, एज द मॉडल बिकम्स कॉम्प्लेक्स आप भटक जाओगे पूरा। तो अपने क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले चार कॉलम्स का विड्थ 0.75 और वो यूज होंगे हेडिंग, सब हेडिंग एंड सब सब हेडिंग के लिए। द फिफ्थ कॉलम विल बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर्स, सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ कॉलम विल बी यूज्ड फॉर कॉन्स्टेंट्स, यूनिट्स एंड टोटल।
उसके बाद वी हैव दिस आई कॉलम, आई कॉलम में विड्थ शुड बी टू, आई कॉलम का विड्थ आपका टू होना चाहिए, द विड्थ ऑफ आई कॉलम शुड बी टू, ठीक है, आई कॉलम का विड्थ शुड बी टू। उसके बाद कितने कॉलम्स यूज करने अभी देखेंगे, बट अपने क्या बोलेंगे, बाकी कॉलम्स का विड्थ विल बी 11, बाकी जितने कॉलम्स रहने वाले हैं उनका विड्थ 11 होने वाला है, ठीक है ना। आई कॉलम तक बेसिकली अपने सिर्फ लेबलिंग वगैरह ही करेंगे, जो सारा कैलकुलेशन होने वाला है वो कहां से होने वाला है, जे कॉलम से, और कहां तक होगा वो भी देखेंगे कैसे अपने को निकालना है, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बोला, पहले चार कॉलम्स 0.75, फिफ्थ कॉलम 40, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ कॉलम 12, आई कॉलम का विड्थ 2 एंड बाकी सारे कॉलम्स का 11, ठीक है ना। बाकी सारे कॉलम्स का 11 अभी अपने करके रख सकते हैं, कैसे करके रख सकते हैं, देखो, लेट मी कम टू माय मॉडल विच वाज दिस, आई विल क्रिएट अ शीट, पहले चार कॉलम्स को चूज करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, आई विल गेट एन ऑप्शन कॉल्ड कॉलम विड्थ एंड आई विल मेक इट कितना 0.75, ठीक है ना, ओके। उसके बाद ई कॉलम विच इज यूज फॉर पर्टिकुलर्स, इसका विड्थ विल बी 40। देन वी हैव दिस एफ कॉलम, उसका विड्थ एफ जी एच, इन तीनों का विड्थ कितना रहने वाला है 12। एंड रिस्पेक्टिवली वी विल हैव कॉन्स्टेंट्स, यूनिट्स एंड टोटल। देन वी हैव दिस आई कॉलम, उसका विड्थ विल बी 2। उसके बाद आप क्या करोगे, सारा कॉलम्स चूज करके उनका विड्थ कितना कर देंगे 11। कैसे चूज करेंगे, आई विल चूज दिस जे, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट राइट, अपने किए थे एक्सेल में किए थे कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल एनेबल्स नेविगेशन, शिफ्ट एनेबल्स सेलेक्शन, सो कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो कीज इज एनेबलिंग नेविगेशन एज वेल एज सेलेक्शन, ठीक है ना। तो अपने क्या बोलना चाह रहे हैं, आई विल कम टू दिस कॉलम, इसको सेलेक्ट करूंगा मे बी बाय माउस, चूज किया पूरा जे कॉलम को, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट राइट, आपका एंड तक कॉलम्स चूज हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, राइट क्लिक, कॉलम विड्थ एंड मेक इट 11, ठीक है ना, आई एम मेकिंग इट 11, उसको 11 कर देंगे अपने, ओके। ये मेरा क्या रेडी हुआ है अभी, टेम्पलेट शीट। टेम्पलेट शीट क्यों अपने बना रहे हैं, बिकॉज फास्ट मॉडल क्या बोलता है कि सारा शीट्स शुड बी कंसिस्टेंट, तो अपने एक टेम्पलेट बना के रख दिए, अब सारा शीट्स इसी टेम्पलेट के ऊपर बनाने वाले हैं, ठीक है ना, इनका कॉपीज बना बना के। तो उस केस में क्या होगा, वी विल बी एबल टू अचीव कंसिस्टेंसी, क्लियर है टेम्पलेट, ठीक है, आई एम रीनेमिंग इट एज टेम्पलेट, ठीक है। एक शीट बनाने के बाद अपने प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद अपने मॉडल को स्टार्ट करने वाले हैं, अपने को सारा शीट्स कैसा बनाना है, टेम्पलेट शीट जैसा। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यूजिंग द लेफ्ट माउस की एंड कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस की प्रेस्ड, आपको इसको क्रिएट करना है एक न्यू शीट को, उससे क्या होगा, उसका कॉपी क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट किया मैंने कॉपी शीट का, आई सेड कम टू दिस नेम, लेफ्ट माउस की प्रेस करो, आपको दिख रहा होगा मेरा माउस रेड हो रहा है वहां पर, ठीक है ना, लेफ्ट माउस की प्रेसिंग कंट्रोल क्रिएट अ कॉपी ऑन द राइट साइड। तो मैंने कॉपी क्रिएट कर दिया प्रेसिंग द लेफ्ट की एंड द कंट्रोल की, दोनों को प्रेस रख के अपने को एक कॉपी क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो इस कॉपी में आपको दिख रहा होगा कि अपना सेम कॉपी क्रिएट हुआ है, सो आई एम यूजिंग माई टेम्पलेट शीट ओनली, इसको मैं रीनेम कर रहा हूं एज, आई एम रीनेमिंग इट एज फ्लैग्स, क्लियर है यहां तक। कैसे अपने को कॉपीज क्रिएट करने, आप इस शीट पे आओगे, ठीक है ना, देन लेफ्ट माउस की एंड कंट्रोल की दोनों प्रेस करके यू हैव टू क्रिएट अ कॉपी, क्लियर है।
हाउ डू वी मूव विद इन द शीट, उसके लिए आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन यूज करोगे, ठीक है ना। अब से अपने कीबोर्ड का यूसेज बहुत ही मिनिमम कर देंगे, एक्सेल में अपने ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं सीखे थे, बट फाइनेंशियल मॉडलिंग में अपने को और ज्यादा शॉर्टकट्स सीखने पड़ेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग इज ऑल अबाउट कितना स्मूथली आप और कितना फास्टली मॉडल बना पा रहे हो। तो वी हैव टू वर्क विद मोर ऑफ द शॉर्टकट्स। तो उस केस में कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, उससे यू आर एबल टू मूव विद इन द शीट्स। क्या बोला मैंने, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन, उससे यू आर एबल टू मूव विद इन द शीट्स, ठीक है ना। क्लियर है, आगे देखते हैं, प्रैक्टिस अपने करेंगे। नाउ ये फ्लैग्स क्या है, बेसिकली बेसिकली आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना इज डिफिकल्ट, आपको बहुत एडवांस्ड लेवल ऑफ एक्सेल आना चाहिए। वो फैक्ट है, अगर आप मॉडलिंग अलग तरीके से कर रहे हो, अगर आप फास्ट के हिसाब से मॉडलिंग कर रहे हो ना, आपको एक्सेल अगर बेसिक भी आता है, यू विल बी एबल टू लर्न द इंटायर मॉडलिंग स्किल्स, ठीक है ना। क्या होता है बेसिकली, अपने एक्सेल में इफ फंक्शंस किए थे, याद है, इफ फंक्शंस, अपने नेस्टेड इफ फंक्शंस भी किए थे, इफ फंक्शंस भी किए थे, नेस्टेड इफ फंक्शंस भी किए थे, दोज वर द फंक्शंस विच यूज टू मेक द मॉडल्स कम्प्लेक्स, ठीक है, उन फंक्शंस के कारण मॉडल कम्प्लेक्स होता है। बट अगर आप फास्ट स्टैंडर्ड्स यूज करोगे, फास्ट बोलता है कि आपको एक फंक्शन, जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ योर थंब। अगर मैं थंब का साइज रख के रखूंगा यहां पर फॉर्मूला बार में, योर फंक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द थंब, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा एक थंब रूल दिया है, क्या, कि अपना फंक्शन जो होना चाहिए वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। मतलब नेस्टेड फंक्शंस अगर मैं यूज करूंगा, याद करो, तो बहुत बड़ा बड़ा फंक्शंस आता है, फास्ट स्टैंडर्ड्स उसको अनरिकमेंड करता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? बिकॉज अगर आप बड़ा बड़ा फंक्शंस लिख रहे हो, द रीडेबिलिटी ऑफ दोज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस गोज डाउन, ठीक है ना। तो अपने देखेंगे अभी फ्लैग्स का यूज क्या है। बेसिकली फ्लैग्स आर रिप्लेसिंग कम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है ना। मैंने एक केस यहां पे लिया हुआ है, आई एम कमिंग टू द शीट फ्लैग्स टू, आई एम कमिंग टू द शीट फ्लैग्स टू, आई एम कमिंग टू दिस शीट फ्लैग्स टू, बेसिकली मुझे क्या गिवन है, मुझे 10 इयर्स का डेटा गिवन है, 10 इयर्स में 2 इयर्स का अपना कंस्ट्रक्शन फेज है एंड 8 इयर्स का अपना ऑपरेटिंग फेज है। 2 इयर्स का कंस्ट्रक्शन फेज है, 8 इयर्स का ऑपरेटिंग फेज है। तो पहले 2 साल में अपने क्या लिखे, सीसी, ठीक है ना, एंड बाकी 8 इयर्स में ओ, जस्ट टू डिपिक्ट कि पहले 2 साल में अपना कंस्ट्रक्शन फेज है, बाकी 8 इयर्स में अपना ऑपरेटिंग फेज है। उसके बाद अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड प्राइस का डेटा गिवन है, मुझे सेल्स निकालना है। ऑब्वियसली सेल्स आपके लिए रेलेवेंट कब होगा, जब आप ऑपरेटिंग फेज में हो। तो कंस्ट्रक्शन फेज में क्या आपका कुछ सेल्स का वैल्यू आने वाला है, नहीं। और 10 के अलावा अगर मैं ड्रैग करना चाहूंगा 11-12 ईयर में, क्या कुछ वैल्यू आना चाहिए, नहीं, बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट का लेंथ ही 10 ईयर्स है। बट मैं एक मॉडल बना के रखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए, बिकॉज कल को आप उस 10 को 12 भी तो कर सकते हो ना। तो मॉडल शुड बी फ्लेक्सिबल कि वो ऑटोमेटिकली जब आपने 10 को 12 किया, द मॉडल इज गिविंग द कैलकुलेशंस। तो मैंने 12 ईयर्स तक कैलकुलेशन लिया हुआ है, बट माई मॉडल शुड बी स्मार्ट इनफ टू गिव द सेल्स वैल्यू ओनली इन दोज केसेस वेयर वी हैव ओ, मतलब ऑपरेटिंग फेज में आपका वैल्यू आना चाहिए। एंड उसके अलावा 11 और 12 ईयर्स में जब आपका प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं कर रहा, वहां पर आपका ब्लैंक आना चाहिए। तो अगर इस केस में मैं इफ फंक्शन यूज करूंगा, इफ फंक्शन क्या करता था, इफ फंक्शन अगर मैं यूज करूंगा, बेसिकली आई विल से इक्वल टू इफ, बेसिकली आई एम सेइंग इक्वल टू इफ, उसके बाद क्या आया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। अपने को एक लॉजिकल टेस्ट देना है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू या फॉल्स। अपने उसको रिप्लेस करेंगे विद सम वैल्यू, कौन सा वैल्यू, इफ ट्रू जो स्पेसिफाई करेंगे, कौन सा वैल्यू, इफ फॉल्स जो स्पेसिफाई करेंगे। तो मे बी व्हाट आई विल से इज,
I will say if this is equal to operating phase. अपने टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, एक्सेल में सीखे थे, टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं. तो मैंने क्या बोला, इफ दिस फेज इज इक्वल टू डबल कोट्स ओ, अगर ये ऑपरेटिंग फेज के इक्वल है तब तो मेरा कैलकुलेशन हो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस. ये हुआ वैल्यू इफ ट्रू. अगर मेरा कंस्ट्रक्शन फेज, अगर मेरा फेज सॉरी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फेज, अगर मेरा फेज जो यहां पर है इज इक्वल टू ओ, अगर वो ऑपरेटिंग फेज के इक्वल है तब तो आप कैलकुलेशन करना चाहोगे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस. अदरवाइज क्या चाहिए आपको, अदरवाइज मे बी यू वॉन्ट ब्लैंक, ठीक है ना, अदरवाइज मे बी यू वॉन्ट ब्लैंक और मे बी यू कैन से जीरो. अदरवाइज आई वॉन्ट जीरो. तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. पहले इसको ड्रैग कर सकता हूं राइट में, ड्रैग कर रहा हूं. तो जहां जहां पे मेरा ऑपरेटिंग फेज है वहीं पे अपना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस हो रहा है, ठीक है ना. एंड जहां जहां पे अपना कंस्ट्रक्शन फेज है वहां पे जीरो आ रहा है. अब मैं इसको राइट में और ड्रैग करके रख देता हूं, बिकॉज मेरा पर्पस क्या है कि मैंने फॉर्मुलाज लगा के रखे हुए हैं, किसी ने 10 को 12 किया तो ऑटोमेटिकली द मॉडल गिव्स द कैलकुलेशंस. तो मैं ड्रैग कर देता हूं, क्या आ रहा है, जीरो जीरो, जबकि मुझे यहां पे कुछ भी नहीं चाहिए था, बिकॉज मेरा यहां पे प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं कर रहा है. माई प्रोजेक्ट हैज एंडेड इन 10 ईयर्स. तो हेयर आई वॉन्ट ब्लैंक्स, हेयर आई वॉन्ट ब्लैंक्स. तो मैं इसके ऊपर एक और इफ फंक्शन लगाऊंगा, इसके ऊपर एक और इफ फंक्शन लगाऊंगा. क्या, सपोज लाइक दिस, इफ इफ आई विल से दिस इज ग्रेटर देन 10, अगर ये 10 से बड़ा है तब तो ब्लैंक आए, वरना ये सारा कैलकुलेशन हो. इफ दिस नंबर ऑफ ईयर इज ग्रेटर देन 10 तब तो ब्लैंक आए. ब्लैंक अपने बोले थे, ब्लैंक इज ऑल्सो अ टेक्स्ट. एक्सेल के सेशन में ब्लैंक इज ऑल्सो अ टेक्स्ट, टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में आएगा. तो मैंने बोला डबल कोट्स, ठीक है ना, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, बिकॉज ब्लैंक है, स्पेस नहीं है. स्पेस का मतलब क्या होता है, बीच में स्पेस बार आना, उसका बात नहीं कर रहे, ब्लैंक का बात कर रहे हैं. तो इफ नंबर ऑफ ईयर, इफ माई ईयर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, देन उस केस में ब्लैंक, अदरवाइज ये पूरा कैलकुलेशन हो. ब्रैकेट क्लोज, एंटर, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हेयर. इफ दिस ईयर इज ग्रेटर देन 10, देन ब्लैंक, अदरवाइज दिस कैलकुलेशन शुड हैपन. लेट मी ड्रैग इट, दिखा आपको, अब यहां पे ब्लैंक आ गया, मुझे यही चाहिए. किसी को अगर नहीं समझ आया ना तो अच्छी बात है, किसी को नहीं समझ आया ये फंक्शन तो अच्छी बात है. मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ये फंक्शंस कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है. आपको दिख रहा है जब अपने नेस्टेड इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, माय रीडेबिलिटी इज डिक्रीजिंग. अभी मैंने स्टेप वाइज आपको लिख के दिखाया तो आपको फिर भी समझ आ गया, बट अगर मैं आपको ये फंक्शन पढ़ने को बोलता किसी और एक्सेल शीट से, आपको समझ ही नहीं आएगा ये कभी भी. दैट इज वाई फास्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, कि अगर आप नेस्टेड इफ फंक्शंस यूज कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है ना. तो मैंने क्या किया था इस फंक्शन में, आई जस्ट सेड इफ बी टू इज ग्रेटर देन 10, उस केस में ब्लैंक, बिकॉज अगर मेरा ईयर 10th के बाद चल रहा है, मेरा प्रोजेक्ट एंड हो चुका है 10 में, उस केस में ब्लैंक. अदरवाइज वापिस से इफ, ठीक है ना, वापिस से इफ, अगर मेरा फेज जो है वो ऑपरेटिंग है तब तो मैं कैलकुलेशन करूंगा, वरना कंस्ट्रक्शन फेज में जीरो. किसी को नहीं समझ आया डोंट वरी, बिकॉज अपने को करना ही नहीं है ये. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो कि नेस्टेड इफ फंक्शन से अपना रीडेबिलिटी बहुत डाउन हो रहा है. नाउ इसी चीज को अपने करेंगे थ्रू फ्लैग्स, ठीक है ना, इस चीज को फ्लैग्स के थ्रू करेंगे एंड आपको दिखेगा कितना ईजी हो रहा है अपना मॉडल. नीचे आपका सेम एग्जाम्पल गिवन है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड प्राइस, ठीक है, तीनों कॉलम्स में डिलीट कर रहा हूं, वापिस से बनाएंगे.
आपका कंस्ट्रक्शन फेज कौन सा है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. तो नाउ आई विल यूज वन फ्लैग. कौन सा फ्लैग? कंस्ट्रक्शन पीरियड फ्लैग. उस फ्लैग में क्या आने वाला है? वन, अगर आपका कंस्ट्रक्शन फेज ऑन है तो, और बाकी सब में जीरो. ऑपरेटिंग पीरियड फ्लैग, पहले दो साल में क्या होगा? जीरो, बाकी सब में वन. तो आई विल से वन इन फर्स्ट ईयर, वन इन सेकेंड ईयर, ठीक है ना, बाकी सारे ईयर्स में जीरो. ठीक है, मैंने टेंथ ईयर तक ड्रैग किया. ऑपरेटिंग पीरियड फ्लैग फर्स्ट ईयर में जीरो, सेकेंड ईयर में जीरो, एंड बाकी सारे ईयर्स में वन. इसका मतलब है योर ऑपरेटिंग फेज इज ऑन. ठीक है ना, यहां पे आपका ऑपरेटिंग फेज ऑन है, यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन फेज ऑन है. नाउ आई कैन सिंपली से इक्वल टू सेल्स में क्या बोले? इफ बोलो, या मैं क्या बोल सकता हूं बोलो? क्या मैं सीधा ये नहीं लिख सकता इफ लगाने की जगह? 131 इंटू 15, मेरा सेल सिर्फ ऑपरेटिंग फेज में आएगा, इंटू ऑपरेटिंग पीरियड फ्लैग. तो अब सिर्फ मेरा ये पूरा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया? एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन में. अपने को पहले टू ईयर्स में जीरो चाहिए था, जीरो आना ही है बिकॉज मेरा ऑपरेटिंग पीरियड फ्लैग ऑफ है, एंड बाकी ईयर्स में अपना रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन आने वाला है. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लैग्स इज कि वी आर रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ दीज फंक्शंस, दीज कम्प्लेक्स नेस्टेड इफ फंक्शंस. तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा टास्क बाई यूसेज ऑफ फ्लैग्स. दैट इज वाई वी यूज फ्लैग्स. मतलब अगर आप बोलोगे ना कि फास्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स का अगर कोई हीरो है वो फ्लैग्स है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो इंडस्ट्री को पता ही नहीं है और वो कम्प्लेक्स मॉडल बनाते आए हैं. एंड दिस इज द थिंग विच इज मेकिंग मॉडलिंग वेरी ईजी. ठीक है ना, तो एक बारी इस शीट को प्रैक्टिस कर लो, इस शीट को प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, प्रैक्टिस करके टेम्पलेट भी क्रिएट कर लेना, टेम्पलेट क्रिएट कर लेना, फिर अपने आगे मूव करेंगे. आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है ना. इट वॉज ओनली इंटेंडेड टू शो कि अपने इफ फंक्शन नहीं यूज करने वाले कंप्लेक्स, आपको फ्लैग्स का प्रैक्टिस करना है. उसके बाद एक टेम्पलेट शीट भी क्रिएट कर लेना जिसमें पहले चार कॉलम का विड्थ 0.75, फिफ्थ का 40, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ का 12 और आईएथ कॉलम का 2 एंड बाकी सारे कॉलम्स का 11. ठीक है, तो वो क्रिएट कर लो. सबको समझ आ गया फ्लैग्स का यूसेज?